पूछा गया है जी, 2022 में भी पूछा गया है और 23 में भी पूछा गया है, ठीक है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 60, 75, 90 या 120, कमेंट करके बताओ आप। चलिए, जितने भी हमारे क्लासेस देख रहे हैं ना, जुड़ चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ कि बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है। और ऐसा भी बताना, मतलब डायरेक्ट आंसर मत देना, पहला का बता रहे हैं तो पहला का बी होगा या दूसरा का सी होगा, इस प्रकार आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी समझ में आए, ठीक है? तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं तब तक वीडियो की लिंक शेयर करता हूँ और आप लोगों को नोटिफिकेशन में बाद में पढ़ते रहूंगा, ठीक है? आप लोगों को कमेंट बाद में पढ़ते रहूंगा, आप लोग आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए, जल्दी जल्दी बताइएगा, पहला का बी, बाकी लोगों का कह रहा है, बाकी लोग कैसे नहीं आ रहे, मेरी आवाज क्लियर आ रही कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइएगा तो मैं चेक करके देख रहा हूँ। वेरी गुड, दो, एक या दो लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोगों को आ नहीं रहे हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर दशहरा में माउली माई की विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है जी? अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? क्या पूछा गया, बस्तर दशहरा में माउली माई के विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, सीजी व्यापम क्षेत्र 2021 में पूछा गया है, रैनी यात्रा, धनु कांडे, गंगा मुंडा यात्रा या मौलिक प्रभाव? तो कौन सा आएगा जी, बस्तर दशहरा में मौलिक माई की विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? मैं वीडियो का लिंक चेक कर रहा हूँ, वीडियो को, ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, क्लास में जुड़ जाओ, ठीक है? अभी तो मजा आएगा जी, जल्दी जल्दी आ जाइएगा, है ना? तो जल्दी जल्दी आइए क्लास में, फिर हम क्लास अटेंड करते हैं फिर, ठीक है जी? सभी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी जुड़ते जाइएगा। चलिए, आंसर क्या होगा जी इसका, इसका आंसर होगा आपका डी, मौली प्रभाव जी, मौली प्रभाव, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, ठीक है? तभी तो मजा आएगा जी, और वीडियो को शेयर कर देना, शेयर करना मत भूलना, ठीक है? चलिए, देखिए, छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व किस माह मनाया जाता है? गोंचा पर्व किस माह मनाया जाता है जी, याद रखना, आषाढ़ माह में मनाया जाता है, सीजी व्यापम 2012 में और 19 में भी पूछा गया है, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ में जो गोंचा पर्व है, चलिए मैं आप सभी का कमेंट पढ़ पा रहा हूँ जी। गुड इवनिंग प्राची, क्या नाम है इसका, प्राची श्रीवास्तव जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो आषाढ़ माह में, याद रखना, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तभी मैं टॉपिक लेकर आता हूँ, ठीक है? चलिए, बस्तर की दिवाली को क्या कहते हैं? बस्तर की दिवाली को दियारी कहते हैं जी, 2015 में पूछा गया है। बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति कब होती है, आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखना, बस्तर के दशहरा उत्सव की जो समाप्ति होती है मुड़िया दरबार से होती है जी, किससे होती है, मुड़िया दरबार से। और आप सभी को कहना चाहूंगा, आप सभी के लिए क्वेश्चन है, बस्तर दशहरा की शुरुआत कौन से होती है, बस्तर दशहरा की शुरुआत कैसे होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, शुरुआत कैसे होती है, आप लोग बताइएगा, शुरुआत है ना, शुरुआत कैसे होती है बताइएगा। चलिए, शुरुआत कैसे होती है, बस्तर के दशहरा की शुरुआत काछिन गादी, काछिन गादी, याद रखना, काछिन गादी, क्या से, काछिन गादी से, ठीक है? चलिए, आप सभी बताइएगा कि बस्तर में रथ पर्व को क्या कहा जाता है, जो बस्तर में रथ यात्रा के जो पर्व होता है उसको क्या कहा जाता है, सीजीपीएससी 2019 में पूछा गया है। अगर आप पीएससी प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, 11 फरवरी को आपको एग्जाम होगा, तो आप सभी के लिए ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जी, ठीक है? नोट करते चलिएगा, बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है। मैं सीजी व्यापम पीएससी क्वेश्चन लेकर आता हूँ, हॉस्टल वार्डन हो, छा या फिर परिचालक हो, या फिर टेक्नीशियन हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, कोई भी एग्जाम हो व्यापम पीएससी का,
वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विगत वर्षों से पूछे जाएंगे, कहाँ नया टॉपिक कौन सा लाएगा भाई, कहाँ से कौन से क्वेश्चन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग। और बस्तर में रथ यात्रा के पर्व को गोंचा पर्व कहा जाता है जी। क्या पर्व कहा जाता है? गोंचा पर्व। ठीक है, क्या कहा जाता है जी? गोंचा पर्व। कौन सा आंसर होगा इसका? चलिए, बस्तर में माटी तिहार कब मनाते जी? सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया है, चैत्र माह में। चलिए बताइए कि चैत्र किसको बोला जाता है? चैत्र, बैसाख, ये सब मालूम है ना आपको? चैत्र, आषाढ़, भादो, कार्तिक, आप सभी को मालूम होगा ना ये, जैसे जनवरी फरवरी होता है उसी प्रकार, इसको कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलिए, तो आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? कमेंट करके बताओ तो। चलिए, बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं, मालूम है कि नहीं इसका? आप लोग बताइएगा क्या क्या हो। चैत्र को क्या कहा जाता है? चैत्र को क्या कहा जाता है? आषाढ़ को क्या कहा जाता है? भादो को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कार्तिक कौन सा त्योहार मनाया जाता है, आप लोग बताइएगा। चलिए, आप लोग बताइएगा, चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। ये जी जी बस बोल रहा है लेकिन कुछ बता ही नहीं रहा है भाई। क्या नाम है? आनंद सोनी मिला, प्राची श्रीवास्तव जी। क्या होगा, भादो में कौन सा त्योहार मनाते हैं जी? भादो में, भादो में कौन सा चैत्र, चैत्र आप सभी को मालूम हो, मार्च अप्रैल, चैत्र आपका मार्च अप्रैल जी। आषाढ़, आषाढ़ कौन सा होता है? मई जून, इस प्रकार का होगा क्या जी? मई जून हो गया क्या? भादो में कौन सा त्योहार मनाते हैं? भादो में होली, होली मनाते हैं कि फागुन में मनाते हैं होली? कार्तिक में क्या मनाते हैं? कार्तिक अगहन बोलते हैं ना, कार्तिक अगहन सुने होंगे, कार्तिक अगहन सुने होंगे क्या जी? हैं, कार्तिक अगहन सुने हो कि नहीं सुने हो? किसमें मनाते हैं आप लोग बताओ भाई, किसमें मनाते हैं? नहीं मालूम, कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोगों को तो मालूम होगा, बाकी लोग बताओ। बस्तर के, एक मिनट ना, सर्दी पकड़ेगा। बस्तर के, एक मिनट ना, बस्तर के दशहरा पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है जी? रथ किनके द्वारा खींचे जाते हैं? सीजीपीएससी 2016 में पूछा गया है। चलिए बताइएगा, सीजीपीएससी 2016 में पूछा गया है, स्थानीय आदिवासी द्वारा, स्थानीय आदिवासी द्वारा बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा से की जाती है? वन विभाग 2016 में पूछा गया है, बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है? तो आप बताइएगा, दंतेश्वरी देवी, महामाया देवी, काछिनगादी देवी और माणिक्य देवी। क्या होगा जी, क्या होगा, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। ए होगा कि कौन सा होगा? बस्तर दशहरा का प्रारंभ पूछा गया जी, अभी आपको बताया मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताया जस्ट ये वाला टॉपिक में, ये देखिए क्या पूछ, बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति पूछा गया था मुरिया दरबार से। जो समाप्ति पूछा जाएगा, समाप्ति पूछा गया है तो मुरिया दरबार, मुरिया दरबार जी, ठीक है, मुरिया दरबार से। और शुरुआत किससे होती है जी? तो शुरुआत आपको काछिन गादी देवी, काछिन गादी देवी से। मैं आपको बार बार बताया था, ठीक है, ध्यान नहीं देते क्या? चलिए,
काछिन घाटी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? अभी हम कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं? बस्तर के दशहरा और सीजीपीएससी सीएमओ 2019 में पूछा गया है जी। ठीक है, काछिन घाटी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो काछिन घाटी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? तो सीजीपीएससी सीएमओ 2019 में पूछा गया है दशहरा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगी? सी वाला ऑप्शन। ये आपको कौन सा हो जाएगा? सी, दशहरा। और दशहरा कितने दिनों तक चलता है जी? 75 दिन तक, याद रखना 75 दिन। और दशहरा की शुरुआत किससे होती है? तो शुरुआत आप कहेंगे जी काछिन गादी देवी, काछिन गादी देवी। और देवी से संबंधित बात करें तो ये आपका आ जाएगा दंतेश्वरी देवी जी। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? दंतेश्वरी, दंतेश्वरी देवी जी। ठीक है, और ये आपका जो समाप्ति होती है वो आपको होती है मुड़िया दरबार से, मुड़िया दरबार से। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जी। दिशा, स्वाति श्रीवास्तव, दिशा जी, और क्या है एक, क्या नाम है? वेरी गुड। चलिए देखिए, बस्तर के दशहरा को आपने टॉपिक में आपको बताया था, फिर से आप लोग कमेंट एक बार रिविजन कर लेते हैं जबकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बार आप याद करते चलेंगे। इसके बाद हम यहाँ से टॉपिक करेंगे, बिल्कुल ये आपका पूरा मौखिक टेस्ट है, 3 से 4 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जी। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी को टेस्ट लेंगे। तो बस्तर का दशहरा एक पारंपरिक त्यौहार है, भारतीय त्यौहार है, जो कितने दिनों तक अवधि तक मनाया जाता है? तो 75। सेकंड क्वेश्चन है कि बस्तर दशहरा में मावली माई के विदाई के सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो अंतिम कार्यक्रम पूछा गया है तो मौली परगाव जी। ठीक है, कौन सा आएगा? मौली परगाव। ठीक, और छत्तीसगढ़ में गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो अषाढ़ माह में मनाया जाता है जी। ठीक है, अषाढ़ माह में। बस्तर की दिवाली को क्या कहते हैं? तो दियारी कहते हैं। सीजी व्यापम 2015 में पूछा गया है। बस्तर के दशहरा के उत्सव की समाप्ति आप सभी को बताया था मुड़िया दरबार से, जबकि इसकी शुरुआत काछिन गादी देवी से की जाती है। बस्तर दशहरा में रथ यात्रा के पर्व को क्या कहा जाता है? गोंचा पर्व कहा जाता है। और कौन से माह में मनाया जाता है जी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कौन से पर्व, कौन से माह में मनाया जाता है जो रथ यात्रा होता है ना? अषाढ़ माह में, याद रखना अषाढ़ माह, अषाढ़ माह में मनाया जाता है। ठीक है, बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं? आपका सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया है। तो माटी तिहार आप मनाते हैं चैत्र में, मार्च अप्रैल बोला जाता है उसको, अषाढ़ मई जून या ठीक है, भादो में होली, कार्तिक में कौन सा जी? कार्तिक में क्या होता है? अगहन, दिवाली, दिवाली के टाइम बोलते हैं ना, वही है। ठीक है, चलिए बाकी बाकी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा ना जी, बाकी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइएगा, सभी इम्पोर्टेंट है जी, इम्पोर्टेंट है ना। तो 3 से 4 नंबर एग्जाम में पूछे जाते हैं जी। ठीक है, तो बस्तर के दशहरा से एक ना एक क्वेश्चन आपके व्यापम पीएससी में पूछे जाएंगे जी। ठीक है जी, चलिए देखते हैं, बस्तर के दशहरा के पर्व पर रथ किनके द्वारा खींचा जाता है जी? ये भी सीजीपीएससी 2016 में पूछा गया है। तो स्थानीय आदिवासी द्वारा, ठीक है, स्थानीय आदिवासी द्वारा जी। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, बस्तर दशहरा के प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा की जाती है? तो कौन से देवी की पूजा की जाती है? काछिन गादी देवी, याद रखना। कौन से देवी की पूजा की जाती है? काछिन गादी देवी। काछिन गादी किस पर्व से संबंधित है? बस्तर के दशहरा से। ठीक है, और बस्तर कौन से दिशा में स्थित है? दक्षिण में। ठीक है, देखेंगे पाट यात्रा, ये डेरी गड़ाई और काछिन गादी है ना, और रैला पूजा, ये सब कलश स्थापना, ये भी अभी अभी एग्जाम में पूछा गया था जी। ठीक है, कलश स्थापना 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया, शायद आपके एग्जाम में संभावित पूछे जाने की संभावना है। ठीक है जी, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखेंगे जोगी मिठाई वाला, पहले इसको देख लीजिएगा फिर इसको देखेंगे। ठीक है,
पहले थैंक्स वैंक्स बाद में बोलना, पहले आप लोग जल्दी से लाइव क्लास में आ जाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आ देखेंगे कलश स्थापना। कलश स्थापना नवरात्रि के प्रारंभ में माता दंतेश्वरी मौली माता के कंकालीन मंदिर में बस्तर के अंचल के हजारों लोग अपनी मनोकामनाओं की पूरा करते हैं, इसे कलश स्थापना कहते हैं जी। एग्जाम में कैसे पूछा गया था कि कलश स्थापना को क्या कहते हैं, तो कलश स्थापना को क्या कहते हैं जी, जोगी मिठाई। आप सभी को मालूम है कि नहीं। देखिए आमाबाल अथवा पार्ली के हलवा जाति के उपयुक्त व्यक्ति को एक जोगी के रूप में इसलिए याद रखना, सात मांगुर वाला, ठीक है। जोगी मिठाई के रस्म को क्या कहा जाता है जी, ये आपके एग्जाम में पूछा गया, जोगी मिठाई के रस्म को बस्तर दशहरा में क्या कहा जाता है, 2023 के एग्जाम में पूछा गया है लेबर इंस्पेक्टर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या आएगा, मूर्तियों की स्थापना, रथ की ध्वज की स्थापना, मंदिर में कलश स्थापना, पुजारी की नियुक्ति। तो ये अभी पूछा गया था जी, है ना। तो क्या है, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। जोगी मिठाई के रस्म बस्तर दशहरा में क्या कहा जाता है, तो मंदिर में कलश स्थापना। मंदिर में क्या कहा जाता है जी, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दिशा बोल रहे हैं सी, वेरी गुड, वेरी गुड दिशा जी। दिशा है कि क्या नाम है आप लोग को, वेरी गुड, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या है, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या क्या नाम है आप लोगों के, मैं चेक करके देख रहा हूँ, ठीक है। जो लोग तैयारी करते हैं ना जी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं, है ना। वीडियो को एक बार सेशन को शेयर कर देना और तैयारी जरूर कीजिएगा, ठीक है। जोगी मिठाई की रस्म को बस्तर दशहरा में मंदिर में कलश स्थापना कहते हैं, वेरी गुड। अब चलिए यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन शुरुआत होती है। अब टाइमिंग है आप सभी के लिए मॉक टेस्ट का, आप लोग मॉक टेस्ट दीजिएगा। चलिए, कौन सा पर्व फाल्गुन माह में राज्य के गोंड आशीर्वादी द्वारा मनाया जाता है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछा गया वन लाइनर, ठीक है। वन लाइनर के क्वेश्चन आप सभी को मैं करा दूंगा, पहले आप लोग टेस्ट दीजिएगा। वन लाइनर के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, पहले आप लोग टेस्ट दीजिए, ठीक है। क्या आएगा जल्दी से बताइएगा। अक्षय तृतीया के समय छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व मनाया जाता है जी। देखिए अक्षय तृतीया के समय, ऑप्शन ए पुत्र पुत्री, ऑप्शन बी गौरी गौरा, ऑप्शन सी भोजली, ऑप्शन डी जमारा। आप लोग कमेंट करके बताओ, ये आप सभी के लिए टेस्ट है, ठीक है। टोटल 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद वन लाइनर का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैं क्या है दिशा, क्या बोल रही है, क्या नाम है, मेघना, अच्छा नाम मेघना था क्या, सॉरी सॉरी, क्या नाम है जी, आप बता नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, क्या नाम है आपका, दिशा है कि मेघनाथ है। पुत्रा पुत्री। अक्षय तृतीया के समय छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व मनाया जाता है, पुत्रा पुत्री, और वेरी गुड पुत्र पुत्री। चलिए आप सभी को एक नंबर मिल चुका है। चलिए इसका क्या बताया जी, कौन सा पर्व फाल्गुन माह में राज्य के गोंड आदिवासी द्वारा मनाया जाता है, मेघनाथ, मेघनाथ क्या है, नहीं सर का आंसर दे रही थी, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका आंसर क्या होगा जी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी सी डी या फिर ए, कौन सा होगा, सी प्राची श्रीवास्तव जी। प्राची श्रीवास्तव जी क्या बोल रही है, और एक क्या नाम है लड़के का, नाम याद नहीं आया मेरा, ठीक है। चलिए नाम से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट करके अपना टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड प्राची श्रीवास्तव, और क्या है दिशा, और चैलेंजेस स्टूडेंट, चलिए सी देखना। चलिए इसका बताइएगा जी, फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, ये आपका टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा जी, आज का जो है 25 सेशन रहेगा, है ना। आपके सीजी व्यापम में और पीएससी के एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो जी, ठीक है।
तो चलिए, कौन सा पर्व सरगुजा क्षेत्र में गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है? 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, पीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम क्या जी? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट। कौन सा पर्व सरगुजा क्षेत्र में गंगा के पृथ्वी अवतरण पर स्मृति में मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा जी? बी, गंगा दशमी। इसका आंसर कौन सा होगा जी? तीसरा का क्वेश्चन कौन सा होगा? तीसरा का ए, बी, सी या फिर डी? कमेंट करके बताओगे जी फटाफट। क्या बोल रहे हैं सर, अभी पीएससी में भी रहेगा ना? क्या चीज पीएससी में रहेगा जी? क्या ना है प्राची श्रीवास्तव, क्या चीज पीएससी में रहेगा बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। किसका आंसर बताइएगा? गंगा दशमी का आंसर तो कौन कौन बता रहे हैं? चलिए वेरी गुड, इसका आंसर दो लोग बताए हैं, गंगा दशमी। इसका आंसर भी होगा बी। चलिए, अब आप सभी का ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप शुरू होता है ना? 1 मिनट में, 1 मिनट में आपका एक क्वेश्चन बनना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, है ना? आप लोग फटाफट जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ में हरेली नामक पर्व निम्न किसके द्वारा मनाया जाता है? आप सभी को मालूम होगा, सभी किसान के बेटे बेटी हैं, है ना? तो छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व कौन से पर्व त्योहार में मनाया जाता है? सवाल है, अरे सरल से आपको क्या मतलब भाई? सरल रहा है या कठिन रहा है ना? एग्जाम में पूछा गया है तभी हम लेकर आए हैं। वेरी गुड, किसान। इसका आंसर होगा जी ए। चलिए, रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या है? आपके पीएससी एग्जाम में पूछा गया है, पीएससी के एग्जाम में पूछा गया है 2017 में, ठीक है? और व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। तो रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या है? रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या है? नाचा, गम्मत, पंडवानी, रहस, क्या होगा जी? पांचवा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पांचवा का ए बी सी ऐसे करके लगाइएगा जी, पांचवा, छठवा, चौथा, ऐसा अगर जो भी देते हैं ना आंसर, क्रम वाइज सीरीज वाइज आप लोग बताया करो, ठीक है? रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या है? पांचवा का डी, रहस। रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या होगा जी? ए, बी, सी या फिर डी? आप लोग कमेंट करके बताओ। सी, पंडवानी। और कौन बोल रहे हैं? डी, रहस। सभी लोगों का आंसर अलग अलग है, सभी लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा है। रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या होगा जी? पंडवानी बोल रहे हैं, कोई नाचा बोल रहे हैं। चलिए, आप सभी ये बताइएगा कि नाचा के प्रवर्तक कौन है? नाचा के प्रवर्तक कौन है? नाचा के प्रवर्तक कौन है जी? तो नाचा के प्रवर्तक आपका हो जाएगा दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। इसका कौन सा हो जाएगा? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, दुलार सिंह मंदराजी, ठीक, वेरी गुड। पंडवानी के क्या आएगा जी? पंडवानी का क्या होगा? चलिए बताओ, पंडवानी लोक गाथा है लेकिन कौन सा होगा? दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, ठीक है?
इसका आंसर होगा जी आपका डी, रास। इसका आंसर होगा आपका रास। ठीक है, तो रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण आपका रास होगा। पंडवानी के गीतकार कौन है? ठीक है जी, क्या नाम है? प्राची श्रीवास्तव। वेरी गुड, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो पंडवानी क्या है जी, आप लोग बताओ पंडवानी क्या है? पंडवानी के क्या है? सुरुज भाई खांडे है, भरथरी गायन है, लोरिक चंद, क्या चीज है ये पंडवानी? आप लोग कमेंट करके बताओ। चलिए, बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है जी? अब ये तो इतना सरल क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, ये आपके एग्जाम में आया है, पीएससी का, पीएससी के एग्जाम में आया है, तो त्योहार से, मेला मड़ई से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी गुड, तीजन बाई। तो पंडवानी के जो है आपका तीजन बाई है। वेरी गुड, तीजन बाई जी। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है जी? आप लोग कमेंट करके बताओ, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह। वेरी गुड, फटाक से आंसर आना चाहिए, भी ऐसे तैयारी करने वाले स्टूडेंट होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कौन है जी? छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन है जी? प्रथम शहीद कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के, वेरी गुड, झाड़ू राम देवांगन। पंडवानी के छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, वीर नारायण सिंह। वेरी गुड, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह। तो अंतिम शहीद कौन है जी? अंतिम शहीद बताइएगा, अंतिम शहीद कौन है जी? अंतिम शहीद कौन है? सभी लोग क्लास में ज्वाइन किए ना, सभी लोगों का आंसर सही सही आना चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि पीएससी का एग्जाम 11 फरवरी को है, प्री का, और व्यापम में हौसल बढ़ाने की वजह से बहुत जल्द देखने को मिलेगा। साथ ही आपका प्रयोगशाला परिचालक का जो एग्जाम होगा आपका मार्च में हो सकता है जी, है ना? फरवरी में तो होगा नहीं, क्योंकि प्री का एग्जाम है, फिर संडे संडे अभी 2-3 का अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम 2-3 और है, मंडी, जो जो एग्जाम है मंडी निरीक्षक का या कोई कृषि विभाग का, इसके बाद आपका होगा जी मार्च में हो सकता है ना? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद है आपका वीर नारायण सिंह, और अंतिम शहीद कौन है जी? सुरेंद्र सर। वेरी गुड, ऐसे स्टूडेंट मुझे बहुत ही पसंद आते हैं जो तुरंत तुरंत आंसर देते हैं, ठीक है, फटाफट आंसर देते हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद है सुरेंद्र साय जी। 1857 वाला याद रखना, ये वाला टॉपिक जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद है, 1857, 1857 की क्रांति एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है जी, इसका क्या आएगा? बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद होता है? तो बस्तर का जो मड़ई मेला है कौन से पर्व के बाद होता है? आप लोग आंसर दीजिएगा, सातवां का आंसर दीजिएगा। सातवां का कौन सा आएगा? ए बी सी या फिर डी? सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय, वेरी गुड, सुरेंद्र साय ही होगा जी। अंतिम शहीद कौन है जी? सुरेंद्र साय है, सुरेंद्र साय ही है। वेरी गुड, तो यहां पर बताइएगा बस्तर का मड़ई मेला, जल्दी से कमेंट करके बताओ सातवां का आंसर कौन सा होगा। बस्तर का मड़ई जी, दिवाली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी। होली तो नहीं होगा जी, कार तो डायरेक्ट होली, और दिवाली तो होगा नहीं, तो दोनों में से कौन सा होगा जी? आप लोग कमेंट करके बताओ। 50% मैंने आपको बता दिया है, अब 50% आप लोग बताओ। सातवां का सी, शिवरात्रि, शिवरात्रि मेला। अच्छा ये बताओ राजीव मेला कब होता है? ये आपके एग्जाम में पूछा गया अभी हाल ही में, ठीक है, 2023 के एग्जाम में पूछा गया राजीव मेला।
राजिम मेला कब होता है, कब होता है? ये अभी एग्जाम में पूछा गया है 2023 का, तो सातवां का आंसर तो आप लोग बता ही रहे हो, जबकि राजिम मेला कब होता है ये आपके एग्जाम में पूछा गया 2023 के, लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है, और चपरासी के एग्जाम में भी हुआ था, अभी जो प्यून भर्ती हुआ था उसमें भी पूछा गया था ये वाला टॉपिक। जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके क्या होगा। मांग पूर्णिमा, वेरी गुड वेरी गुड जी, इतना जबरदस्त सवाल आपने आंसर दिया है ना, राजिम मेला कब लगता है, तो मांग पूर्णिमा में लगता है जी, वेरी गुड। और हटकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है जी, मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, हटकेश्वर महादेव मंदिर, हटकेश्वर महादेव मंदिर, जो जो एग्जाम में पूछे गए वही क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ जी, ठीक है, हटकेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर, ठीक है, हटकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है जी, कहाँ स्थित है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, हटकेश्वर महादेव मंदिर जी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, सभी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी 2023 के एग्जाम में पूछा गया है हटकेश्वर महादेव मंदिर। चलिए आपको ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ, रायपुर, बिलासपुर, राजिम, चलिए आप लोग बताइएगा, गरियाबंद, हटकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है जी, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे में क्या तुक्का मारोगे तो फिर मजा नहीं आएगा जी, हटकेश्वर महादेव मंदिर अभी एग्जाम में पूछे गए हैं 2023 के, है ना जी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बिलासपुर बोल रहे हैं, बिलासपुर तो होगा नहीं जी, कैसा होगा बिलासपुर, आएगा नहीं बिलासपुर, बिलासपुर तो आएगा नहीं, हटकेश्वर महादेव बिलासपुर में कहाँ है जी, एक बार गूगल में सर्च करके देख लो, गूगल में सर्च कर लो और एक बार मुझे बताओ क्या है, मैं ऑप्शन गलत दिया हूँ या सही दिया हूँ ये भी आप लोग बताओ। वेरी गुड, रायपुर खारून नदी के तट पर, और ये एग्जाम में पूछा गया है जी, रायपुर खारून नदी के तट पर, चलिए तो कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड, ये तो आप सभी को मालूम होगा जी, छेड़छेड़ा किससे संबंधित है, छेड़छेड़ा किससे संबंधित, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए जी इसका। कौन कौन मांगने गए थे छेरछेरा, सच में बताओ इसका आंसर सभी लोगों को आना चाहिए, छेरछेरा किससे संबंधित है, दिवाली मत बोल देना फिर, है ना, घोर अन्याय होगा फिर यहाँ, है ना, इसका आंसर क्या होगा जी, ए बी सी या फिर डी, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। छेरछेरा कौन से माह में मनाया जाता है, कौन से माह में मनाया जाता है, अभी एग्जाम में पूछा गया था, कौन से माह में मनाया जाता है, कौन से माह में मनाया जाता है छेरछेरा, कौन से माह में मनाया जाता है, और कौन सी तिथि को मनाया जाता है, कौन से शुक्ल पक्ष क्या है, कौन सा पक्ष, तिथि भी बताइएगा, एग्जाम में पूछता है तिथि कौन से और पक्ष, बस इतना ही एग्जाम में पूछेगा, और ज्यादा से ज्यादा कहाँ पूछेगा, तो छेरछेरा किससे संबंधित है, छेरछेरा किससे संबंधित है जी, जल्दी से बताइएगा, छेरछेरा किससे संबंधित है, तो नई फसल, वेरी गुड जी, इसका आंसर सी होगा, नई फसल के काटने से, वेरी गुड जी, छेरछेरा आपको कौन से माह में मनाया जाता है, तो फागुन माह में, सॉरी जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है, जनवरी में मनाया जाता है जी, कौन से जनवरी में मनाया गया था, तो 25 जनवरी को
जबकि आपका 26 जनवरी को कौन सा है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस याद रखना, गणतंत्र दिवस मनाया था जी 26 जनवरी को। कौन से दिवस मनाया थे? गणतंत्र दिवस मनाया थे। और कौन से? तो 75वां, याद रखना 75वां गणतंत्र दिवस हाल में भी मनाया है 26 जनवरी को। और 25 जनवरी को आपको छेरछेरा पर्व मनाया जाता है, कौन सी तिथि में? पौष पूर्णिमा में, याद रखना पौष पूर्णिमा में। ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जी, 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। चाहे तो आप इसको नोट कर लो जी, चाहे तो आप इसको नोट कर लो। चलिए, छेरछेरा किससे संबंधित है? छेरछेरा नई फसल के काटने से। कौन से मह माह में मनाया जाता है? तो पौष पूर्णिमा में। जनवरी 25 जनवरी, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था जी। किस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है? और इतना सरल क्वेश्चन कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपके पीएससी के एग्जाम में पूछा गया है जी, पीएससी के में। अरे व्यापम के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है? तो किस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है? और इसका गलत आंसर सभी लोगों को नहीं आना चाहिए, ठीक है? इतना सरल क्वेश्चन है और सभी लोगों का गलत आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझो। बी पोला। चलिए वेरी गुड, इसका आंसर कौन सा होगा? बी। तो 10वां का क्वेश्चन कौन सा होगा जी? इसका आंसर बी होगा, वेरी गुड। और हरेली कब मनाया जाता है? चलिए आप लोग बताइएगा, हरेली कब मनाया जाता है? पोला कौन से माह मनाया जाता है? पोला आपका भादो में, ठीक है? ये भी एग्जाम में पूछा गया, अभी 2019 की एग्जाम में पूछा गया था ये वाला। पोला जो है भादो में मनाया जाता है। अक्ती वाला सवाल अभी पूछा है 2023 में, अक्ती वाला सवाल 2023 में पूछा गया। और किस प्रकार पूछा गया है तो आप सभी नोट कर लीजिएगा। अक्ति कौन सा? अक्ति 2023 के एग्जाम में पूछा गया, जल दान करने की शक्ति। जल दान करने की शक्ति, जल दान करने की शक्ति अभी एग्जाम में पूछा गया है 2023 में, इसको नोट कर लो। जल दान करने की शक्ति को कौन से त्योहार में मनाया जाता है? तो अक्ति में मनाया जाता है जी, याद रखना। जल दान करने की शक्ति अक्ति में मनाया जाता है। हलषष्ठी क्यों मनाते हैं? किसे कहते हैं हलषष्ठी, आप लोग बताओ। हलषष्ठी कमच्छठ, कमच्छठ। चलिए हलषष्ठी कमच्छठ को बोल रहे हैं। और तो इसको बताइए कि नहीं जी, हलषष्ठी क्या होता है? क्या होता है जी हलषष्ठी? चलिए जल्दी से बताइएगा क्या होता है। चलिए बताइए। हाँ समझ गए, कमच्छठ। लेकिन क्यों मनाया जाता है कमच्छठ? क्यों मनाया जाता है कमच्छठ? क्यों मनाया जाता है? हरेली की कब मनाया जाता है? हरेली ये भी बताओ, हरेली कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ जल्दी। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार, हरेली। और इसमें छुट्टी भी रहता है, ठीक है? प्रथम त्योहार छत्तीसगढ़ के, प्रथम त्योहार कौन सा है? हरेली त्योहार। चलिए राउत नाचा किस पर्व त्योहार में आसपास में मनाया जाता है? सीजीपीएससी 2019 में पूछा गया है, सीजीपीएससी 2019 में पूछा गया है, ठीक है? अगर देखिए, अगर आपको क्वालिटी ज्यादा हो जा रहा होगा तो आप लोग अपना क्वालिटी 240 के आसपास रख सकते हैं ना, या फिर तुरंत नेट खत्म हो जाएगा आपका, तुरंत आपका नेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा 180 1080 मेगा पिक्सल के आसपास चल रहे थे, ठीक है? तो आप लोग 240, वीडियो को 240 के आसपास या फिर 360 में रख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है जी। तो राउत नाचा दिवाली में, यहाँ पर कमेंट ना करें ना, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। फिर जब यहाँ पर क्लासेस चल रही है फिर भी आप लोग,
दिवाली, वेरी गुड, दिवाली होगा जी इसका आंसर। दशहरा कब मनाया जाता है? अभी हमने पढ़ा दशहरा से संबंधित बस्तर के दशहरा से पूछे जाने वाले प्रश्न, और दशहरा कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नाग पंचमी आपका आएगा डंडामी मारिया। छत्तीसगढ़ का लहजा गीत कौन सा है जी? ये आपके 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। पंद्रह का क्वेश्चन बताइएगा, 15 का आंसर कौन सा होगा? 15 का ए बी सी या फिर डी, क्या आएगा जी? छत्तीसगढ़ का लहजा गीत, तो छत्तीसगढ़ का लहजा गीत कौन से त्योहार या कौन से लोकगीत है? तो बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का लोकगीत, वेरी गुड। और छत्तीसगढ़ में कहाँ दशहरा विख्यात है? कहाँ है जी दशहरा, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो इसका आंसर सभी लोगों को आना चाहिए। कहाँ चले गए सब? सोने चले गए क्या? सोना नहीं है जी आपको, सोना नहीं है। एग्जाम की तैयारी करना है तो पढ़ना जरूरी है, मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। हम मॉक टेस्ट इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा फायदा हो सके और रिवीजन हो सके जी, ठीक है। मैं एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना बताऊंगा जी, और रिलेटेड इससे बहुत सारे एग्जाम में जो पूछे गए वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इससे आपको बेनिफिट भी है। वेरी गुड, डी बस्तर। छत्तीसगढ़ में जो दशहरा है ना आपका, बस्तर में विख्यात है। और ये जो कवर्धा है आपका, भोरामदेव शक्कर कारखाना, छत्तीसगढ़ के प्रथम शक्कर कारखाना भोरामदेव शक्कर कारखाना कवर्धा में स्थित है जी। निम्न में से कौन सा त्योहार है, कौन सा है जो छत्तीसगढ़ के पर्व नहीं है? आप देखिए छत्तीसगढ़ में आप सब रहते हैं तो छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व है कौन सा नहीं आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए। क्या होगा? हरेली, छेरछेरा, पोला या ओणम, क्या है? सत्रह का आंसर क्या होगा? 17 का ए बी सी या फिर डी। सत्रह का आंसर डी, वेरी गुड। इसका आंसर होगा जी आपका डी। छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है? अब ये देखो, यही आप लोग फंसेंगे, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, और अभी मैं आपको बताया छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है। तो छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है जी? छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है, जनवरी में तो मनाया जाता है। अभी हाल ही में कौन से जनवरी में मनाया है? 25 को कौन से तिथि? बी, पौष माह के पूर्णिमा। मैं आप सभी को पहले ही कहा था एग्जाम 2023 के एग्जाम में पूछा गया है जी, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पर आपको मैंने बताया अभी, यहाँ पर कौन से माह में मनाया जाता है अभी नई फसल के कटने पर, वही एग्जाम में पूछा गया है जी। हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है? हरेली, अब बताओ हरेली कब मनाया जाता है? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो हरेली कब मनाया जाते हैं जी? ए बी सी या फिर डी। इस वीडियो को हम रिकॉर्डेड क्लास पर भी अपलोड कर देंगे जी यूट्यूब पर, ठीक है। तो हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है? हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जी आपका बी, श्रावण अमावस्या को, श्रावण अमावस्या, ठीक है, वेरी गुड। पौष पूर्णिमा, श्रावण अमावस्या,
आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जी, वही टॉपिक हम लेकर आते हैं। 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, तो जितने भी विगत वर्षों का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसको एक बार रिवीजन करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जी, है ना। देखिए कितना सारा क्वेश्चन आपको कराने को बाकी है, पूरा इतना सारा है, पूरा 150 क्वेश्चन है जी, ये पूरा 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। तो आज मैं आपको 25 क्वेश्चन मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, उसके बाद पूरा वन लाइनर कराऊंगा जी, ठीक है। कहाँ पर आए थे हम लोग? यहाँ पर। कहाँ पर आए थे जी? बहुत दूर हो गए क्या? बहुत दूर चला गया। चलिए हम नजदीक में लेकर आते हैं उसको। हाँ यहाँ पर आए थे। अच्छा 150, सॉरी 150 नहीं, 250 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है ना। गेंडी का महत्व किस त्योहार पर होता है? गेंडी कब खेलते हैं जी? गेंडी, गेंडी का मतलब गेड़ी त्योहार, बच्चों लोग चलते हैं ना गेड़ी। क्या हो इसका आंसर? बी, हरेली। तो जो गेड़ी त्योहार है, हरेली में चढ़ते हैं, इसमें जादू टोना वाला भी चलता है क्या जी? जादू टोना वाला काम एग्जाम में पूछा गया था, जादू टोना वाला ये है। चलिए कौन सा जी? हरेली तो है, जादू टोना वाला, जादू टोना मंत्र जंत मंत्र तंत्र वाला एग्जाम में पूछा गया था। कौन से एग्जाम में? तो ये आपको पीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। हरितालिका तीज त्योहार किसके लिए मनाया जाता है? तीज, हरितालिका पूछ दिया, तीज त्योहार, तो आप इनसे बेहतर आप लोग कौन बताएगा, इससे बेहतर और कौन बताएगा? तीज त्योहार, देखो मैंने पूछा वो क्वेश्चन और यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। जादू टोना तंत्र मंत्र आदि के लिए कौन सा त्योहार उपयुक्त माना जाता है? देखिए मैं इसीलिए मैं टॉपिक लेकर आता हूँ जी, मैं क्वेश्चन को देखा नहीं था अभी। देखिए यहाँ पर, देखिए कि मैं क्या बताया, गेंडी का त्योहार हरियाली मनाया जाता है, जादू टोना तंत्र मंत्र वाला आपको पूछा था पीएससी एग्जाम में पूछा गया करके, और यहाँ आपको देखने को मिल रहा है जी। देखो अभी कौन सा पेज नंबर पर आया, ये भी आप लोग देख लो जी। चौथे पेज नंबर पर आया, टोटल 30 पेज बचा हुआ है, तो कितना क्वेश्चन? 250 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। तो जादू टोना तंत्र मंत्र आदि के लिए हरेली त्योहार, ठीक है, कौन सा त्योहार? हरेली त्योहार जी। चलिए कुश्ती का खेल किस विशेष त्योहार के अवसर पर खेलने की परंपरा है? कुश्ती कौन से खेल में खेलते हैं? रथ यात्रा में तो बिल्कुल नहीं खेला जाएगा जी, गेंडी पर्व, नागपंचमी, हरसठ, इसमें भी नहीं खेला जाएगा। तो गेंडी पर्व में खेला जाता है क्या? कुश्ती किसमें खेला जाता है? बस्तर का दशहरा, बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? आपको बताया 75 दिन तक। और ये कौन से देवी? तो दंतेश्वरी देवी, ठीक है जी, कौन से देवी? दंतेश्वरी देवी, दंतेश्वरी देवी जी, ठीक है। दिवाली के बस्तर में मनाए जाने वाले किस त्योहार पृथ्वी की पूजा की जाती है? पृथ्वी की पूजा, माटी त्योहार जी। चलिए बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? जीपीएससी 2005 में पूछा गया है, डंडामी मारिया बस्तर में पूछा गया। बस्तर में कौन सा त्योहार होगा? दिवाली तो होगा नहीं, नवा खानी, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कल के क्लास में मिलते हैं 9 बजे रात को, ठीक है। तो कल हम 9 बजे फिर से मिलते हैं जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।